आईपीएल 2024 को लेकर बड़ा अपडेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दर्ज की है सीजन की पहली जीत। रोमांचक मैच में पंजाब को 4 विकेट से दी है मात। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो है 19 ओवर और 2 गेंदों में 177 रन के टारगेट को चेज करके पंजाब किंग्स को जो है 4 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में विराट कोहली टीम के हीरो रहे। विराट कोहली ने 49 गेंद में 77 रन की पारी खेली, वही दिनेश कार्तिक ने 10 गेंदों पर नाबाद 28 रन बनाए। वही उन्होंने 28 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। वही दिनेश कार्तिक के अलावा महिपाल लोमरोन ने भी जो है 8 गेंदों में 17 रन की पारी खेली। ये मुकाबला यहाँ पर जो है ये मुकाबला जो है काफी यहाँ पर जोरदार रहा है, कांटे का दोनों टीमों के बीच रहा। इसमें जो है RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो है 4 विकेट से जीत हासिल की है। वह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है 4 विकेट से जीत हासिल की है। पहले पंजाब ने बैटिंग की, पंजाब ने जो है 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 176 रन बनाए। वही पंजाब की ओर से शिखर धवन 45 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा परमसिमरन सिंह ने 25 और 23 रन सैम करन ने बनाए, 27 जो है जितेश शर्मा ने जो है वो बनाए। वही बॉलिंग की बात अगर करें तो मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर 2 विकेट चटके हैं, यश दयाल ने 1 और अलजैस यूसुफ ने 1 विकेट चटका। इसके अलावा बात करते हैं RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, तो RCB की ओर से जो है 49 गेंद में 77 रन की पारी विराट कोहली ने खेली। विराट कोहली ने अपने पारी में 11 चौके और 2 छक्के लगाए और डुप्लेसी इस मैच में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा कैमरन ग्रीन भी ज़्यादा नहीं कर पाए, 5 गेंदों में 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। रजत पाटीदार इस मैच में जो है 18 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा मैक्सवेल जो है 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अनुरुद्ध राउत ने 14 गेंदों में जो है 11 रन की पारी खेली। वही इस मैच में सबसे शानदार बैटिंग की है दिनेश कार्तिक ने, उन्होंने 10 गेंदों में 28 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके और 2 छक्के अपनी पारी में उन्होंने लगाए। इसके अलावा महिपाल लोमरोन ने 8 गेंदों में 17 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में लगाया। पंजाब के अगर बॉलिंग की बात करें तो सैम करन ने 3 ओवर फेंके और 30 रन देकर 1 विकेट चटका। इसके अलावा स्टीव ने 3 ओवर 2 गेंदे फेंकी और 40 रन देकर विकेट उनको कोई भी नहीं मिला। रबाडा को इस मैच में 2 विकेट मिले हैं, 23 रन उन्होंने दिए थे 4 ओवर में और हरप्रीत बरार उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटके। हर्षल पटेल को इस मैच में 1 विकेट मिला लेकिन 45 रन उन्होंने भी खर्च किए। राहुल चार ने 1 ओवर किया और 16 रन उनके पड़े और 1 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए, विकेट उनको कोई भी जो है वो नहीं मिली।